नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बकरी को लेकर आपसी विवाद में एक की मौत। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम बकरी घुसने को लेकर उपजे एक मामूली विवाद में दो सगे भाइयों के बीच मारपीट में एक की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी भाई के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के कोटवाली ग्राम निवासी प्रेमचंद की बकरी गुरुवार को उसके सगे भाई देवचंद के घर के सहन में घुस गई, जिसको लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान गाली गलौज के बाद मारपीट तक बढ़ गई। घटना में लाठी डंडे लगने से प्रेमचंद 40 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल प्रेमचंद को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया, जहां ले जाते समय गुरुवार की रात्रि प्रेमचंद की रास्ते में ही मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रसड़ा दीक्षित त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मारपीट की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। मौत की सूचना के बाद शुक्रवार को मृतक प्रेमचंद के पुत्र की तहरीर पर मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया से राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र रसना के कुटवारी में दो सगे भाइयों के बीच में बकरी के घर में घुस जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे मारपीट में एक भाई को गंभीर चोट आई थी, जिसका प्राथमिक उपचार के उपरांत हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। रास्ते में इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण के मुख्य अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। जय। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।